कलर्स कलर्स कलर्स, जब तक आपके टीवी में परफेक्ट नेचुरल और ओरिजिनल कलर्स नहीं होंगे ना, तब तक आप लोगों का जो टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन बेहतरीन कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि कैमरा जो कलर्स, जो सिनेमेटिक शॉट्स रियल में शूट करता है ना, वो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस आप लोगों को नॉर्मल किसी टीवी में नहीं मिल पाएगा। उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आप लोगों को थिएटर में जाना पड़ेगा। और दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज कभी नोटिस भी करी होगी कि आप कोई भी टीवी अगर थिएटर पे देखते हो और वही मूवी अगर आप अपने टीवी पे देखते हो तो उसका एक्सपीरियंस ना काफी ज्यादा डल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आईमैक्स होता है या जो थिएटर होता है, वहां पर आप लोगों को जो सीन होता है उसका एग्जैक्ट रियलिस्टिक जो है कलर्स देखने को मिलते हैं। टीवी में वो चीज कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अगर आप लोगों को दोस्तों एग्जैक्टली वही नेचुरल और ट्रू एक्सपीरियंस चाहिए अपने टीवी से, तो फिर आप लोगों को एक ओएलईडी टीवी कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि ओएलईडी टीवी जो होते हैं ना, बेसिकली सबसे बेस्ट टीवी होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी। एंड अगर आप लोग उस टीवी को कहीं से भी किसी भी एंगल से देखोगे तो सबसे परफेक्ट एक्सपीरियंस आप लोगों को ओएलईडी टीवी में ही मिलेगा। अब OLED टीवी में आप लोगों को ज्यादातर 1000 nits की ब्राइटनेस मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई रियल लोकेशन पे जाके शूट करते हैं किसी मूवी का या वेब सीरीज का, तो वो कैमरा उस सीन को 1000 nits की ब्राइटनेस पे ही शूट करता है। इस वजह से आप लोगों को जो रियल और ट्रू कलर्स हैं वो OLED टीवीज में मिल जाते हैं। और दोस्तों, OLED टीवी के बारे में एक और बात आप लोगों को मैं बता देता हूं। अगर आप लोग ऐसे रूम में रहते हैं जहां पर आप लोगों के ज्यादा सनलाइट आती है या रोशनी आती है, तो फिर आप OLED टीवी मस्त कंसीडर कीजिए। फिर आप लोगों के लिए ना QLED टीवी ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें आप लोगों को 2000 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है या ब्राइटनेस सेंसर मिलते हैं जो उनकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। लेकिन OLED टीवी होता है ना, जो बेसिकली एक चीज है कि अगर आप OLED टीवी से कभी भी एक डार्क रूम में एक मूवी, वेब सीरीज कुछ भी देख लोगे, फिर आप किसी भी टीवी में कुछ भी देख लो, आप लोगों को वो चीज फीकी ही लगने वाली है। तो अगर आपके रूम में या आप लोग जहां भी टीवी रखना चाहते हो वहां पर ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है, नॉर्मल जो है रोशनी रहती है, ज्यादा जो है लाइट वगैरह नहीं है, तो फिर आप लोगों के लिए OLED टीवी सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। OLED टीवी का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो LG है, और LG ही ज्यादातर ब्रांड्स को OLED डिस्प्ले प्रोवाइड कराता है। लेकिन जब LG ही OLED डिस्प्ले बनाता है तो क्या LG के ही OLED टीवी सबसे अच्छे आते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। OLED टीवीज आप लोगों को इंडिया में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स OLED टीवीज बनाती है, एंड हर एक टीवी में कुछ ना कुछ खासियत और कुछ ना थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज होती ही है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं इंडिया में आने वाले टॉप 5 बेस्ट OLED टीवीज जो आप लोगों को मिलने वाले हैं 65 इंच स्क्रीन साइजेस में। ये जो टीवी हमने सिलेक्ट करे हैं ये बहुत सारी रिसर्च करके सिलेक्ट करे हैं, एंड एक बजट से लेके ये स्टार्ट होते हैं और इनका बजट फिर आगे जाके बढ़ता जाता है। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा टीवी आप लोगों के लिए परफेक्ट है, और उसके बाद में ही आप लोगों को अपने लिए टीवी परचेज करना है। फिलहाल आप लोगों को ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देख लोगे तो ये हमारी गारंटी है कि आप अपने लिए सबसे बेहतरीन OLED टीवी चुन पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत चौधरी, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रोडक्ट बाजार। लेट्स टाइम टू द वीडियो। तो नंबर 5 पर जो टीवी आता है भाई, ये LG की तरफ से आने वाला 4K 65 इंच में OLED टीवी है। इस टीवी में आप लोगों को काफी बढ़िया स्लिम एंड क्लासिकल डिजाइन देखने को मिलेगा। A7 Gen 5 AI 4K प्रोसेसर इस टीवी में आप लोगों को मिलता है, और LG का ये प्रोसेसर ना बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करता है, तो एक्चुअल में आप लोगों को ना स्मूथनेस इस टीवी में देखने को मिलेगी। 2GB की इसमें रैम मिलती है आप लोगों को और 8GB की स्टोरेज मिलती है। इतना बड़ा टीवी, स्टोरेज सिर्फ 8GB की मिलेगी भाई आपको। लेकिन LG के WebOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, जिसकी वजह से काफी बढ़िया तरीके से ये टीवी काम करता है। एंड इस टीवी में आप लोगों को अनलिमिटेड ऐप सपोर्ट मिलता है, कोई भी एप्लीकेशन हो आप इस टीवी में इजीली रन कर सकते हो। एंड यही नहीं दोस्तों, गेम डैशबोर्ड एंड ऑप्टिमाइजर फीचर भी आप लोगों को इस टीवी में मिल जाता है। मतलब अगर आप लोग गेमर हो तो आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन ये रहने वाला है।
तो चलिए ये तो कुछ फीचर्स की बात थी, लेकिन अब बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि टीवी इज ऑल अबाउट डिस्प्ले। तो हमें इस टीवी में क्या मिलता है, तो 65 इंच 4K OLED टीवी है दोस्तों ये, एंड इसमें 100% कलर फिडेलिटी और 100% कलर वॉल्यूम आप लोगों को मिल जाती है। 1000 nits की ब्राइटनेस इस टीवी में आप लोगों को मिलेगी विद AI ब्राइटनेस कंट्रोल। ऑटोमेटिक आपकी टीवी की जो ब्राइटनेस है वो ये कंट्रोल करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द लाइट्स आपके रूम में या टीवी के आसपास कितने लाइट्स हैं, जो कि आप लोगों को काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस देने वाला है। बाकी इस टीवी में 60 हर्ट्ज का आप लोगों को रिफ्रेश रेट मिलता है विद 0.1 मिलीसेकंड ऑफ रेस्पॉन्स टाइम, तो गेमर्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। एंड इसमें ना डॉल्बी विजन IQ विद HDR 10 प्रो का आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा, एंड फिल्म मेकर मोड भी मिल जाएगा जिससे आप काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस अपने इस टीवी से ले पाओगे। आई कंफर्ट मोड भी मिल जाता है जिससे आपकी आंखों पे काफी कम स्ट्रेस पड़ेगा एंड काफी कंफर्टेबली आप अपने टीवी को देख पाओगे। और ये चीज ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टीवी में, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारी आंखों पे ना ये टीवी हुए, मॉनिटर हुए, फोन हुए, ये बहुत ही ज्यादा बुरा असर डालते हैं। तो पहले ही ऐसा प्रोडक्ट लो जो हमारे आईज के लिए अच्छा हो। बाकी इस टीवी में आप लोगों को इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट का फीचर मिल जाता है, फ्लिकर फ्री एंड डिसकंफर्ट ग्लेयर फ्री ये टीवी होने वाला है। तो जो उसका पैनल बनाया गया है, जो उसकी डिस्प्ले बनाई गई है ना, वो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, एंड डेफिनेटली बहुत ही कमाल की डिस्प्ले क्वालिटी आप लोगों को LG के इस टीवी में मिलेगी। अब साउंड की बात करें तो इस टीवी में आप लोगों को 5.1.2 चैनल स्पीकर्स मिलते हैं। अब ये क्या है, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसमें आप लोगों को 20 वोट का ना साउंड आउटपुट मिल जाएगा और AI सराउंड साउंड का फीचर मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को घर में बैठे बैठे फील होगा कि सराउंड साउंड चल रही है, एंड IMAX जैसा एक्सपीरियंस आप लोग इस टीवी से ले पाओगे, बल्कि IMAX जैसा एक्सपीरियंस आप लोग इन पांचों में से किसी टीवी से भी ले सकते हो। एंड ये Dolby Atmos और 3D वर्चुअल सराउंड साउंड को सपोर्ट करता है। अब कनेक्टिविटी की बात करें, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खास करके अगर हम इतने बड़े टीवी खरीद रहे हो तो इसमें भाई अपने को 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, 3 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, 3.1 mm का एक पोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा, एक ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट पोर्ट, एक स्पीकर आउटपुट पोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा, डुअल बैंड वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट सपोर्ट, स्क्रीन मिररिंग एंड ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आप लोगों को इस टीवी में मिल जाता है। दोस्तों ये LG का टीवी ना आप लोगों को एक साल की वारंटी के साथ में मिलता है। प्राइस की बात करें तो 1,60,000 रुपीज का प्राइस है इसका आज की डेट में, बट ये एक नेक्स्ट लेवल टीवी होने वाला है दोस्तों, और अगर आप इसको एक बार ले लोगे तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को इस टीवी में किसी भी चीज की कमी नहीं लगने वाली है। अगर आप इस टीवी को परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इस टीवी को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी चार ऑप्शंस और है, और जो हमारी लिस्ट पे फोर्थ नंबर पे आता है ये है सोनी ब्राविया की तरफ से आने वाला 65 इंच 4K OLED टीवी। दोस्तों सोनी के टीवी बहुत ही कमाल के टीवी आते हैं एंड सालों साल तक चलने वाले प्रोडक्ट होते हैं। खास बात यह है भले ही सोनी हो या सैमसंग हो, इनकी सर्विस आप लोगों को इजीली हर जगह अवेलेबल मिल जाएगी। लेकिन बात करें सोनी ब्राविया की इस टीवी की, तो भाई ये एक बहुत ही शानदार स्मार्ट टीवी है, तो क्वाड कोर कोर्टेक्स A73 प्रोसेसर पे बेस्ड है। ये प्रोसेसर बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों काम भी करता है। इस टीवी में आप लोगों को 2GB की रैम मिल जाती है एंड 16GB की स्टोरेज मिल जाएगी, एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट इस टीवी मिल जाता है, और AMD FreeSync टेक्नोलॉजी भी इस टीवी में है। तो मतलब आपको गेमिंग करनी है तो भी ये टीवी कमाल का ऑप्शन आप लोगों के लिए रहने वाला है। इसमें भी आप जनरली कोई भी एप्लीकेशन डाल के यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड ऐप सपोर्ट आप लोगों को इस टीवी में मिलता है। अब 65 इंच की डिस्प्ले में 4K रेजोल्यूशन के साथ में ये एक OLED टीवी है, जिसमें आप लोगों को 100% कलर फिडेलिटी मिलती है, 100% DCI P3 कलर वॉल्यूम मिलती है, AI ब्राइटनेस कंट्रोल के साथ में 1000 nits की पीक ब्राइटनेस आप लोगों को इस टीवी में मिलेगी, एंड 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में 1 मिलीसेकंड ऑफ रेस्पॉन्स टाइम आप लोगों को मिलता है। मतलब जो कलर्स होने वाले हैं वो काफी रियलिस्टिक एंड ट्रू कलर्स आप लोगों को सोनी ब्राविया के इस टीवी में मिलेंगे। ये टीवी डॉल्बी विजन विद HDR 10 को सपोर्ट करता है, एंड गेमिंग के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। अब साउंड की बात करें तो 3.2 चैनल स्पीकर्स में अपने को मिलते हैं, मतलब 3 स्पीकर्स मिलेंगे 10 वोट ईच के, एंड 2 सबवूफर मिलेंगे 10 वोट ईच के। टोटल जो साउंड आउटपुट होने वाला है वो आप लोगों को मिलेगा 50 वोट का, एंड वो भी डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमोस एंड 3D अपस्केलिंग सराउंड साउंड के साथ में 50 वोट का टोटल साउंड आउटपुट दोस्तों आप लोगों को मिलता है। मतलब जो साउंड एक्सपीरियंस है ना वो नेक्स्ट लेवल आप लोगों का इस सोनी ब्राविया की टीम में रहने वाला है।
कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें अपने को दो यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, चार एचडीएमआई पोर्ट मिलते हैं, 1 3.5 mm का पोर्ट, एक ऑडियो आउटपुट पोर्ट, एक स्पीकर आउटपुट पोर्ट, इथरनेट सॉकेट, डुअल बैंड वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट सपोर्ट, स्क्रीनिंग मिररिंग सपोर्ट एंड ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी में भी ना सारे ऑप्शंस आप लोगों को सोनी के इस टीवी में मिल गए। एक और जो मुझे बहुत कमाल की चीज लगती है इस टीवी में, वो ये लगती है कि इस प्रोडक्ट पे ना आप लोगों को ओवरऑल 3 साल की वारंटी मिलती है, भले ही पैनल हो या टीवी हो। तो ये चीज बहुत ही कमाल की यहां पर है। प्राइस की बात करें तो 1,70,000 रुपीज आज की डेट में इस टीवी का प्राइस है, लेकिन अगर आप जो है कार्ड्स वगैरह पे डिस्काउंट लगा के परचेज करोगे तो मे बी आप लोगों को 5,000 से 7,000 रुपए का एटलीस्ट डिस्काउंट और पड़ जाना चाहिए। खैर ये प्राइसेस जो है कम ज्यादा हो सकते हैं, उसके लिए मैं जो लिंक्स होंगे इन सभी टीवीज के वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हमें लिस्ट पे आने वाले नंबर 3rd के टीवी की, जो कि है एलजी की तरफ से आने वाला 65 इंच 4K OLED टीवी। अब LG के हमने मल्टीपल टीवी इस लिस्ट में लिए हैं क्योंकि LG OLED स्क्रीन का मैन्युफैक्चरर है और भाई हकीकत में LG के बहुत प्यारे प्यारे टीवीज आते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो कोई पेड वगैरह नहीं है, ये मैं आप लोगों से अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अब इनके मॉडल्स नंबर अलग अलग है तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग जो है डेडिकेटेडली इस वाले प्रोडक्ट को देख पाओ। बाकी एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट दोस्तों ये भी है, प्रोसेसर वही सेम होने वाला है इसमें, A7 Gen 4 AI 4K प्रोसेसर आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इसमें आप लोगों को मिलती है 5.5 GB रैम विथ 16 GB ऑफ स्टोरेज। तो ये एक अल्ट्रा फास्ट टीवी है दोस्तों, अल्ट्रा स्मूथ जो है ये टीवी आप लोगों को मिलने वाला है। और LG वेब OS जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम LG के हर एक टीवी में आता है, उसके साथ में ना NVIDIA G-Sync और AMD FreeSync दोनों टेक्नोलॉजी आप लोगों को इस टीवी में मिल जाएगी। अगर आप लोग गेमर हो तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि आपके ही काम की चीज है ये। बाकी वही गेम डैशबोर्ड एंड ऑप्टिमाइजर फीचर आप लोगों को इस टीवी में मिल जाता है, अनलिमिटेड ऐप सपोर्ट आप लोगों को इस टीवी में मिलता है। अब डिस्प्ले की बात करें तो वही जो है LG की आप लोगों को ब्रांडेड जो है इसमें OLED पैनल मिलता है, 4K डिस्प्ले है, 1000 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है विद AI ब्राइटनेस कंट्रोल, AI के हिसाब से ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस जो है कंट्रोल हो जाएगी, जो कलर फिडेलिटी है वो 100% मिलती है एंड 100% DCI-P3 कलर वॉल्यूम भी आप लोगों को स्क्रीन मिल जाती है। काफी नेचुरल और रियलिस्टिक जो है विजुअल्स आप लोगों को स्क्रीन मिलने वाले हैं एंड 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में 1 millisecond ऑफ रेस्पॉन्स टाइम LG का ये टीवी आप लोगों को देता है। बहुत ही कमाल का टीवी होने वाला है दोस्तों, एकदम IMAX जैसा एक्सपीरियंस आप लोगों को इस टीवी में मिलेगा। इसमें आप लोगों को Dolby Vision IQ विद HDR Pro का सपोर्ट मिल जाएगा, इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट आप लोगों को इस टीवी में मिल जाता है, फिल्म मेकर मोड भी देखने को मिल जाएगा एंड आई कंफर्ट मोड भी मिल जाता है एंड उसी के साथ में फ्लिकर फ्री एंड डिसकंफर्ट ग्लेयर फ्री मोड भी मिल जाएगा। अब साउंड की बात करें तो 2.2 चैनल स्पीकर मिलते हैं जो है 20 वोट का साउंड आउटपुट आपको उसमें मिलेगा, 20 वोट का सबवूफर मिलेगा, टोटल हो जाएगा 40 वोट का साउंड आउटपुट एंड इसमें आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साउंड प्रो फीचर मिलता है जिससे आप लोगों को काफी बढ़िया सराउंड साउंड जो है सुनाई देगी। बाकी इसमें भी आप लोगों को Dolby Atmos और 3D वर्चुअल सराउंड साउंड देखने को मिल जाएगी, तो जो साउंड है टीवी में वो भी आपको काफी डिसेंट मिल जाती है। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो 3 USB पोर्ट इस टीवी में मिलते हैं, 4 HDMI पोर्ट, एक 3.5 mm पोर्ट, एक ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट, स्पीकर आउटपुट, इथरनेट सॉकेट, डुअल बैंड वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट सपोर्ट, स्क्रीन मिररिंग फीचर एंड ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट जैसे सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन आप लोगों को टीवी में मिल जाते हैं। ये टीवी आप लोगों को दोस्तों 1 साल की वारंटी के साथ में मिलता है। आज की डेट में 2,00,000 रुपए इसका प्राइस है टू बी एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत प्राइस जो है कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टीवी यू कैन कंसीडर एट दिस प्राइस रेंज इन इंडिया। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस आप लोगों को, एक लग्जरी एक्सपीरियंस इस टीवी से मिलने वाला है। और मैं ये बात दोबारा बोलूंगा कि एक बार अगर आप LG का OLED टीवी इस्तेमाल कर लोगे तो फिर आप कोई भी टीवी देख लो आप लोग उसका एक्सपीरियंस फीका ही लगने वाला है। तो इस टीवी को भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन अब जो हमारी लिस्ट पे आता है टॉप 2nd नंबर पर, ये एक बहुत ही कमाल का प्रीमियम ऑप्शन होने वाला है सोनी ब्राविया की तरफ से, 65 इंच जो OLED टीवी है दोस्तों। ये टीवी क्वाड कोर XR कोग्निटिव प्रोसेसर पे काम करता है, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर आउट देयर जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए काम करेगा। और इस टीवी में आप लोगों को 3 GB की रैम मिल जाती है विद 16 GB ऑफ स्टोरेज एंड Android 11 के सपोर्ट के साथ में अनलिमिटेड
एप्स की जो है सपोर्ट आप लोगों को इस टीवी में मिल जाएगी। तो ये तो हो गई नॉर्मल बात है, लेकिन अब डिस्प्ले की बात करें तो भाई 65 इंच का 4K रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला OLED टीवी है ये। और सोनी के टीवी में ना दोस्तों आप लोगों को मिलियंस या बिलियन कलर नहीं मिलते, सोनी के टीवी में आप लोगों को मिलते हैं ट्रिलियंस ऑफ कलर्स। मतलब जो कलर्स मिलने वाले हैं इस टीवी में वो हकीकत में बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। और इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए ना आपको उस टीवी को सामने से बैठ के देखना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, इस टीवी से आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ट्रिलियन कलर्स मैक्स डिस्प्ले आप लोगों को इसमें मिल जाएगी, 100% कलर फिडेलिटी के साथ में 100% DCI-P3 कलर वॉल्यूम मिल जाता है, AI ब्राइटनेस कंट्रोल के साथ में 1000 nits की पीक ब्राइटनेस विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड 1 मिलीसेकंड ऑफ रेस्पॉन्स टाइम। उसी के साथ में इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा, एंड ये टीवी डॉल्बी विजन विद HDR10 को सपोर्ट करता है। तो डिस्प्ले दोस्तों डेफिनेटली इस टीवी की बहुत ही कमाल की होने वाली है। साउंड की बात करते हैं तो इस टीवी में ना आप लोगों को 2.2 चैनल स्पीकर मिलते हैं। टोटल साउंड आउटपुट की बात करें तो लगभग 60 वोट की साउंड आउटपुट मिलती है। डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमोस एंड 3D अपस्केलिंग सराउंड साउंड फीचर आप लोगों को इस टीवी में मिल जाएगा विद अकोस्टिक ऑटो कैलिब्रेशन। मतलब जो साउंड एक्सपीरियंस होगा वो भी नेक्स्ट लेवल का इस टीवी में आप लोगों को मिलने वाला है। और बाहर से कोई भी साउंड बार आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, एक एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव साउंड बार से बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस आप लोगों को इस टीवी का इनबिल्ट साउंड सिस्टम देगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस टीवी में अपने को 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, 4 HDMI पोर्ट्स, एक 3.5 mm पोर्ट, ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट पोर्ट, स्पीकर आउटपुट पोर्ट, इथरनेट सॉकेट, डुअल बैंड वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट सपोर्ट, स्क्रीन मिररिंग सपोर्ट एंड ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट जैसे सारे फीचर्स आप लोगों को इस टीवी में मिल जाते हैं। अब वारंटी की बात करें तो इस टीवी में ना भाई आप लोगों को 3 साल की वारंटी मिलती है। प्राइस की बात करें तो आज की डेट में इसका प्राइस है 3,15,000 rupees। प्राइस एक डेफिनेटली प्रीमियम प्राइस रेंज है, बट ये टीवी भी दोस्तों एक प्रीमियम रेंज वाला टीवी है। तो अगर आप लोगों को अपने लिए एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए अपने टीवी से तो दिस इज द टीवी यू कैन डेफिनेटली कंसीडर एनी टाइम। इसका भी बेस्ट बाय लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाले टॉप प्रोडक्ट की, और ये भी दोस्तों LG की तरफ से आने वाला ही एक और 65 इंच साइज में OLED टीवी है। स्मार्ट टीवी अल्फा 9 Gen 5 AI 4 के प्रोसेसर पे बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था बहुत ही ज्यादा स्मूथ ये प्रोसेसर है। 3 GB की इसमें आप लोगों को रैम मिलती है विद 16 GB ऑफ स्टोरेज। LG का खुद का WebOS ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। AMD FreeSync और NVIDIA G-Sync भी आप लोगों को इन टीवी में मिल जाएगा, एंड गेम ऑप्टिमाइजर फीचर भी आप लोगों को इसमें मिल जाता है। दोस्तों LG में आप लोगों को एक्स्ट्रा AI ThinkQ फीचर भी मिलता है विद बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा, और साथ साथ में एप्पल एयरप्ले 2 एंड होम किट सपोर्ट भी मिल जाएगा। ये सभी टीवी बेसिकली अनलिमिटेड OTT ऐप को सपोर्ट करते हैं। अब डिस्प्ले की बात करें, इसमें आप लोगों को परफेक्ट ब्लैक इंटेंस कलर के साथ में इनफिनाइट कॉन्ट्रेस्ट वाली LED बैकलिट डिस्प्ले मिलती है। 4K रेजोल्यूशन के साथ में दोस्तों बहुत ही कमाल की इसकी क्वालिटी होने वाली है। डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG का सपोर्ट आप लोगों को स्ट्रीमिंग में मिलेगा, एंड वही आई कंफर्ट मोड भी आप लोगों को मिल जाएगा। 100% कलर फिडेलिटी प्लस 100% DCI-P3 कलर वॉल्यूम आप लोगों को इसमें मिलती है। AI ब्राइटनेस कंट्रोल फीचर के साथ में आप लोगों को 1000 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 1 मिलीसेकंड ऑफ रेस्पॉन्स टाइम आप लोगों को इस टीवी में मिल जाएगा। साउंड की बात करें तो 2.2 चैनल स्पीकर मिलते हैं। टोटल साउंड आउटपुट जो आपको इसमें मिलेगा वो मिलने वाला है 60 वोट का। एंड दोस्तों इस टीवी में आपको EARC सपोर्ट मिल जाती है। बहुत से लोग मुझसे ये चीज पूछते हैं, तो इस टीवी में आप लोगों को EARC सपोर्ट मिल जाती है। ये टीवी डॉल्बी एटमोस पास थ्रू को सपोर्ट करता है और 60 वोट पे बहुत ही बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। अब कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, तो इसमें अपने को 3 USB पोर्ट मिलते हैं, 4 HDMI पोर्ट मिलेंगे, एक ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट जैक, एक स्पीकर आउटपुट जैक, इथरनेट सॉकेट, ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट, स्क्रीन मिररिंग फीचर, डुअल बैंड वाईफाई एंड वाईफाई डायरेक्ट सपोर्ट फीचर आप लोगों को इस टीवी में मिल जाता है। अब ये टीवी ना दोस्तों पर्सनली मेरा फेवरेट है, मुझे काफी बढ़िया लगा और बजट में लगा, इसी वजह से इसको मैंने नंबर 1 पर शिफ्ट किया है। इस टीवी पे आप लोगों को 1 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन इसके पैनल पे ना आप लोगों को 5 साल की वारंटी मिलती है। LG की तरफ से आने वाला ट्रस्टवर्दी ये टीवी होने वाला है, और जो इसका प्राइस है वो भी काफी ज्यादा सही है आज की रेट में। 1,55,000 rupees के अंदर अंदर आप लोगों को ये 65 इंच का
ओएलईडी टीवी मिल जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल का एंड वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आप लोगों के लिए होने वाला है। इवन इन पांचों में से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी टीवी को कंसिडर कर सकते हैं। इनके अलावा भी काफी सारे टीवीज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप इन पांचों में से किसी भी टीवी को परचेज करना चाहते हैं तो इन सभी टीवीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से जाकर इन टीवी को चेकआउट भी कर सकते हैं या परचेज भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जो जानकारी है वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा लगा है तो अपनी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करे बिना नहीं जाना है। इसी के साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है और इसी तरीके की वीडियोस भी हम आप लोगों के सामने लाते रहते हैं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। आप ही लोगों को चैनल है, मिलते हैं इसी तरीके से वीडियो में। धन्यवाद।